आहस सरोकार। बदरलीट में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर तक थ्रो किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले भी नीरज चोपड़ा देश का नाम रोशन कर चुके हैं। पहले स्थान पर रहे ग्रेनाड वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर तक थ्रो किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले स्थान पर रहे ग्रेनाड को हराया। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बादलपुर थाने का किया निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर ने कावड़ मार्गों का भी किया निरीक्षण। थाना दिवस में सुनी गई समस्याओं का किया गया निस्तारण। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बादलपुर थाने का किया निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर ने कावड़ मार्गों का भी किया निरीक्षण। थाना दिवस में सुनी गई समस्याओं का किया निस्तारण। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बादलपुर थाने का किया निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर ने कावड़ मार्गों का भी किया निरीक्षण। थाना दिवस में सुनी गई समस्याओं का किया निस्तारण। लखनऊ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव के बयान पर बोले शिवपाल यादव, मैं वैसे तो सदैव से स्वतंत्र था, लेकिन औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता नहीं। लखनऊ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव के बयान पर बोले शिवपाल यादव, मैं वैसे तो सदैव से स्वतंत्र था, लेकिन औपचारिक स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। सिद्धांत एवं सम्मान से समझौता स्वीकार शिवपाल। श्रावस्ती पंचायत उपचुनाव में भाजपा की जीत। जिला पंचायत सदस्य के खाली पद पर बीजेपी का कब्जा। भाजपा उम्मीदवार अवधेश वर्मा निर्विरोध जीते। नाम वापसी के दौरान सभी उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम। 8 लोगों ने किया था नामांकन, 7 ने की नाम वापस। पंचायत उपचुनाव में भाजपा की जीत। जिला पंचायत सदस्य के खाली पद पर बीजेपी का कब्जा। भाजपा उम्मीदवार अवधेश वर्मा निर्विरोध जीते। नाम वापसी के दौरान सभी उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम। लखनऊ पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़। बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान शूटरों के पैर में लगी गोली। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे शूटर। कैंट थाना क्षेत्र के लोको तिराहे के पास हुई मुठभेड़। लखनऊ पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़। बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़। कैंट थाना अंतर्गत लोको तिराहे से यदुनाथ की तरफ जाती हुई रोड में हमारे मुखबिर ने ये सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेन ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। आत्मरक्षा में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। जो तीनों बदमाशों के नाम जो प्रकाश में आए हैं, उनका नाम है कासिफ, मुन्ना और मोहम्मद फैजल। कासिफ के बाएं पैर में गोली लगी है, मुन्ना के दोनों पैरों में गोली लगी है और मोहम्मद फैजल के दाहिने पैर में गोली लगी है।
इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। ये तीनों बदमाशों के नाम कई हत्याओं में भी शामिल है। कई जो फेमस हत्याएं हैं लखनऊ में, चर्चित हत्याकांडों में इनका नाम शामिल है। फिलहाल एक बदमाश के एक पैर में, एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, ये कब की घटना है, ये मुठभेड़ कब हुई और इस मुठभेड़ में जो मारे गए हैं पहले से किन किन घटनाओं में ये संलिप्त पाए गए हैं? आपको बता दूं कि ये जो बदमाश जो है, बीती शाम की घटना है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे इन बदमाशों का नाम वीरेन ठाकुर की हत्या पे आ रहा था। बीते गत महीने जो है निलमथे में, सदर थाना अंतर्गत निलमथे में जो कांड हुआ था, जो पुलिस की वर्दी में इन्होंने जो है कांड किया था वीरेन ठाकुर का, जिनको मौत के घाट उतारा था, इनके घर में घुस के, और रेलवे के बड़े बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिहार का एक सबसे बड़ा गैंग जो है, पुलिस ने उसको मुठभेड़ में घायल कर दिया है। कुल मिला के देखा जाए, अगर बात करूंगा प्राची सिंह की, जो डीसीपी नॉर्थ हुआ करती थी पहले, अब वो डीसीपी ईस्ट हो गई हैं, और शुरुआत से अगर देखा जाए तो वो कुल मिला के एक तेज तर्रार अधिकारी हुआ करती थी, आईपीएस अधिकारी हुआ करती थी, और उनके उनके संरक्षण में उनके उनकी टीम ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। वीरेन ठाकुर को, वीरेन ठाकुर के जो हत्यारे, उनको उनको घायल कर दिया है। कुल मिला के देखा जाए अगर, तो बहुत बड़ा एक एक सिनेरियो बनता है, जो बिहार के गैंग, बिहार का जो बड़ा बहुत बड़ा गैंग हुआ करता था उससे जुड़ी बातें थी, अब वो धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी खुलती जाएंगी। और एक बहुत बड़ी सफलता मिली लखनऊ की आशियाना पुलिस को, सदर पुलिस को और क्राइम ब्रांच को। जी, अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सागर इन बदमाशों पे? जी, कुल मिला के आपको बता दूं तसला कि इस मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल हुए हैं, जो कि काफ़ी कुख्यात बदमाश हुआ करते थे। काफ़ी हत्या में इनका नाम आया, लूट रंगदारी से लेकर इन्होंने काफ़ी ऐसे कांड किए हैं जो पुलिस के नाक में दम बन गए थे। चाहे लखनऊ हो, चाहे बिहार हो, चाहे लखनऊ के आसपास के ज़िले हों, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, तमाम ऐसी जगहें थी इन्होंने कांड किए हैं। अब देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं, तो पुलिस इनको इंटरोगेशन के लिए अपने अधीन लेगी। उसके बाद ही एक बड़ा खुलासा, मुझे लगता है कि बड़ा खुलासा पुलिस करने के विचार में है और एक बड़ा खुलासा संभव है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सागर। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हैंड ग्रेनेड के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गाजीपुर से आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हैंड ग्रेनेड के साथ 6 आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाजीपुर से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ ने हैंड ग्रेनेड के साथ 6 आरोपियों बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर जो पलटा, ट्रक की चपेट में आकर 3 कावड़िए घायल, 1 कावड़िए के इलाज के दौरान हुई मौत। सरोजी नगर थाना क्षेत्र की घटना आई सामने। बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पलटा, ट्रक की चपेट में आकर 3 कावड़िए घायल, 1 कावड़िए के इलाज के दौरान हुई मौत। सरोजी नगर थाना क्षेत्र की घटना आई सामने। गोंडा पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 1 आरोपी घायल। बाइक चोरी की घटना में शामिल थे दोनों आरोपी। पुलिस ने 2 बाइक और 1 तमंचा किया बरामद। गुंडा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 1 आरोपी घायल।
बाइक चोरी की घटना में शामिल थे दोनों आरोपी। पुलिस ने दो बाइक और एक तमंचा किया बरामद। गोंडा पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल। आगरा में 40 लाख की लूट का मामला, लूट का वीडियो आया सामने। चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, असलहों के दम पर कर्मचारियों को बनाया था बंधक। कुरियर कंपनी के ऑफिस में हुई है लूट। नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना आई सामने। आगरा में 40 लाख की लूट का मामला, लूट का वीडियो आया सामने। फरुखाबाद में सहायक खाद आयुक्त की टीम ने लिया एक्शन, डीएम के निर्देश पर टीम ने की कार्रवाई। टीम ने रेस्टोरेंट और होटलों में की छापेमारी, 13 रेस्टोरेंट और होटलों के किचन को किया गया चेक। किचन एरिया में पाई गई भीषण गंदगी, बिना साफ सफाई का ध्यान रखे बनाया जा रहा था खाना। किचन में खाना बनाने पर लगाई गई रोक, लाइसेंस निस्तारीकरण की भी दी गई चेतावनी। फतेहगढ़ क्षेत्र का मामला आया सामने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या चेकिंग के दौरान क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? जी, बताना चाहूंगा कि डीएम के आदेश पर सहायक खाद्य आयुक्त की टीम के द्वारा जब इन होटल व रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, तो वहां पर जो किचन है, इनकी पाकशाला है, वो बहुत ही गंदगी में पाई गई। वहां पे जो मानक है उनको बिल्कुल भी वहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, और जो वहां पर भोजन बनाने में सामग्री उपयोग हो रही थी वो बिल्कुल खुले में रखी गई, जैसा कि उन्होंने पत्र जारी कर बताया है। तो इस मामले आपको बताना चाहेंगे कि जनपद के नामी गिरामी रेस्टोरेंट जिनमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, तो न्यू बजरंग फैमिली रेस्टोरेंट, 9 PM रेस्टोरेंट और एक और रेस्टोरेंट है, उन तीन रेस्टोरेंट के किचन में भोजन बनाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो 10 अन्य रेस्टोरेंट व होटल हैं उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिनको नोटिस जारी किया गया उनमें होटल राजपुताना, होटल हिंदुस्तान, डायमंड पैलेस, KM इंडिया होटल्स भी शामिल है, जो की जनपद के बड़े और नामी गिरामी होटल में से एक माने जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुंदरम। रानी का अमेठी दौरा, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। तिलोई राजभवन आएंगी स्मृति ईरानी, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। सलोन विधानसभा के नसीराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। तिलोई राजभवन आएंगी स्मृति ईरानी, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। सलोन विधानसभा के नसीराबाद में कार्यक्रम, अम्बेडकर नगर में दो हत्याकांड का हुआ खुलासा, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। नीलम हत्याकांड के दोषी को पुलिस ने भेजा जेल, दोषी मनीष चंद्र यादव को पुलिस ने भेजा जेल। हंसवर थाना क्षेत्र का मामला आया सामने। अम्बेडकर नगर में दो हत्याकांड का हुआ खुलासा, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड का किया खुलासा। नीलम हत्याकांड में दोषी को पुलिस ने भेजा जेल, दोषी मनीष चंद्र यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। दिनांक 21/7/22 को हसवड़ के कल्याणपुर गांव में एक महिला की बॉडी मिली, उस महिला की शिनाख्त की गई, FIR दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम कराया गया, उसका अभियुक्त
यह मुकदमा जो है अज्ञात में लिखा गया था, उसके अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, आलाकत बरामद किया गया है। अभियुक्त मनीष यादव ने घटना को कायद करना स्वीकार किया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की अग्रिम आवधिक कार्रवाई की जाएगी। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरा मामला है जिस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया अभियुक्त को? जी बता दें, विगत दिनों 24 घंटे में हसवा थाना क्षेत्र में दो धारदार हथियारों से वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज साबित हुआ था, और इसमें जिसमें से नीलम मौर्या की जो हत्या हुआ था उसमें खुलासा हुआ है, और इसकी पूछताछ में पता चला है, जो मुजरिम ने बताया है कि कुर्की से हत्या की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अवस्थाओं की वजह से गोवंशों की हो रही मौत, भूखे पेट दम तोड़ रही गोवंश, सूखे भूसे पर निर्भर है पशु, जिम्मेदारों की दिख रही भारी लापरवाही। तरबगंज ग्राम पंचायत चंदीपुर में बना है गौशाला, जहां पर बड़ी लापरवाही की जा रही है। व्यवस्थाओं की वजह से गोवंशों की मौत हो रही है, भूखे पेट दम तोड़ रही गोवंश, सूखे भूसे पर निर्भर है पशु, जिम्मेदारों की दिख रही भारी लापरवाही। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से लगातार जो गोवंश है वो दम तोड़ रही है। तरबगंज ग्राम पंचायत में यह गौशाला बना हुआ है। गुंडा व्यवस्थाओं की वजह से संवाददाता राशिद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ पूरा मामला है, किसकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले बता दें, जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने निकल के आ रही हैं, अक्सर ये तस्वीरें अलग अलग गौशाला गोंडा में जो बनाए गए गौशाला है, अलग अलग तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। इसे साफ, जिस तरीके से गौवंश की लगातार हत्या हो, इस तरीके से कह रहे मौत हो रही है, इसे साफ लापरवाही का कारण बताया जा रहा है। जिस तरीके से गौशाला में सूखे भूसे हैं और जो पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लगातार मौतें का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी, अब इसमें किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या किसी जिम्मेदार का जवाब इस मामले पर सामने आया है? देखिए, हाल ही में अभी प्राइम टीवी ने एक प्रमुखता से खबर उठाई थी, जो मुजैना ब्लॉक में एक रानीपुर में बने गौशाला था, वहां का भी खबर चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन जागा था, नींद से जागा था और वहां पर पहुंचा था और वहां पर निरीक्षण भी किया था और जो जिम्मेदार है उसे कड़ी फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार बात की जाए, चाहे रानीपुर गौशाला की या फिर जिस तरीके से आज ये चंदीपुर में बने गौशाला की तस्वीरें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं इस पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इस पे ठोस कदम लेना चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे फिर जो गौवंश है उनकी मौत ना हो। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राशिद। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, घर पहुंचकर मासूम ने परिजनों को बताई आप बीती, परिजनों की तहरीर पर केस हुआ दर्ज, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत रिपोर्ट हुई दर्ज, पुलिस ने मासूम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला, राशिद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, इस हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाला हैवान क्या गिरफ्तार हो चुका है और आगे किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये पूरा मामला थाना वजीरगंज के अंतर्गत का है, जहां 3 वर्षीय मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वहीं एक बताया जा रहा है कि जो नशे में युवक था उसे बहला फुसला कर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया, और जब रोती बिलखती वो मासूम बच्ची परिवार को बताई आप बीती, तो परिजनों ने थाना पहुंचकर तहरीर दी, जहां पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया और जो आरोपी था उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है राशिद इस पूरे मामले पे, क्योंकि लगातार जिस तरह महिला सुरक्षा को लेकर दम भरती हुई सरकार प्रशासन नजर आ रही है, उसके बावजूद भी बच्ची और महिलाओं के साथ ऐसी घटना सामने आ रही है, तो उसपे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनका क्या कहना है?
देखिए बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कहीं ना कहीं ये काफी दिल दहला देने वाला मामला है। और अगर बात की जाए जनपद गुना में, तो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं और परिजनों का तो बुरा हाल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे फिर दोबारा इस तरह की घटनाएं ना घटे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राशिद। एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया गया। नोटिस भेजने के बाद भी दुकानें नहीं कराई गई थी खाली। पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवान मौके पर रहे मौजूद, दुकानदारों को जल्द ही नोटिस देने की कवायदें हुई तेज। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे ब्रिज का मामला, संवाददाता राशिद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। राशिद, क्या कुछ पूरा मामला है, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है? देखिए सूबे की सरकार जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो अवैध तरीके से निर्माण किए हो या अतिक्रमण किए हो उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, तो उसका बड़ा नमूना जनपद गुना में भी देखने को मिला है। पिछले कई महीने से लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और जिस तरीके से आज रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे लोग अतिक्रमण किए हुए थे, प्रशासन ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि इसे तत्काल खाली करा दिया जाए, लेकिन लोगों ने खाली नहीं किया। जैसे बीते दिनों प्रशासन का बुलडोजर चला जिसमें 4 दुकानों को ध्वस्त किया गया और कुछ दुकानों को चिन्हित भी किया गया और नोटिस भी जारी की गई है कि वो खुद स्वयं से खाली करा ले वरना प्रशासन अपने बुलडोजर से ही उसे ढहा दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राशिद। लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, जमीन के मामले में लेखपाल ने वसूली मोटी रकम। घूसखोर लेखपाल रंगे हाथों कैमरे में हुआ कैद, घूसखोर लेखपाल पर नहीं लिया गया एक्शन। जहां एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी भी घुसखोर अधिकारी को माफ नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, सरकार सख्त रवैया भी अपनाए हुए, उसके बावजूद भी घुसखोरी और मनमानी से लेखपाल बाज नहीं आया। घुसखोरी करते हुए लेखपाल रंगे हाथों कैमरे में कैद हुआ है, वही एक्शन भी नहीं लिया गया है। इस पर करनालगंज तहसील के कार्यरत बताया जा रहा है लेखपाल। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये किसी जमीनी के मामले में लेकर लेखपाल मोटी रकम वसूली कर रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है, वो बोल रहा है कि आधा पैसा आपको दे दिया है और आधा काम होने के बाद दिया जाएगा। और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी शिकायत करने के बाद फिर भी कोई कार्रवाई या एक्शन इस पे नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे हर एक कर्मचारी के ऊपर अक्सर करनेलगंज तहसील अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। उच्च अधिकारियों को इसकी खबर है अनिल? अगर उच्च अधिकारियों को इसकी खबर है तो अधिकारियों का क्या कुछ रुख है इस पर, उनका क्या कुछ जवाब आया है? अधिकारियों से जब इसके संबंध में बात किया गया तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में इसके लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनिल। किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही मामले की जांच। तारुण थाना के बाहरमपुर मजरे पीछापुर गांव का मामला आया सामने। क्या किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। संवाददाता राघवेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। राघवेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है और उस मामले में क्या अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? बिल्कुल सिलसिला बता दें, जिस तरीके का ये पूरा मामला जो है ये अयोध्या जिले की थाना तारुण का है, इसे गांव पड़ता है।
तो बता दें आपको कि किसान जो है वो रात को खाना खाने के बाद ट्यूबवेल की रखवाली जिस तरीके जो रोज जाता था उसी तरीके ये कल भी गया है, रात में ये वहां पे सोया है, सोने के बाद इसकी सुबह जो घर ये नहीं पहुंचा है, तो परिजन जो है इसको जा करके ट्यूबवेल पर देख रहे हैं, तो इसकी जो है चारपाई के नीचे इसकी लाश मिलती है संदिग्ध परिस्थितियों में। बता दें अगर कि तो पुलिस जो है वो गहनता से इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तो परिजनों ने निश्चित तौर पर हत्या की आशंका का आरोप लगाया है कि ये हत्या हो सकती है, पुलिस जो है इसकी गहनता से जांच कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राघवेंद्र। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।